नमस्कार, आप देख रहे हैं जुबी न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। एयरटेल के करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, अब इन 11 सर्किल में बंद हुई ये सर्विस। जी हां, टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने 11 सर्किल में 3G नेटवर्क को बंद कर दिया है। कंपनी के शीर्ष अधिकारी ने ये जानकारी दी। एयरटेल का प्लान इस साल मार्च तक मौजूदा स्पेक्ट्रम को बूस्ट कर अपने 4G नेटवर्क पर रिफॉर्म करने का है। टेलीकॉम सेक्टर में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच एयरटेल का लक्ष्य सब्सक्राइबर्स को हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। आपको बता दें कि कंपनी ने पिछले साल अगस्त में मार्च 2020 तक देश भर में 22 टेलीकॉम सर्किल में अपने 3G नेटवर्क बंद करने की घोषणा की थी। 3G नेटवर्क बंद कर कंपनी अपना फोकस ज्यादा खर्च करने वाले यूजर्स को बेहतर सर्विस देने पर बढ़ाएगी। भारतीय एयरटेल ने पिछले साल जुलाई में 3G नेटवर्क बंद करने की प्रक्रिया शुरू की थी। कंपनी ने कोलकाता के बाद हरियाणा और पंजाब सर्किल में 3G सर्विस बंद की थी। हालांकि टेलीकॉम कंपनी फीचर फोन ग्राहकों को 2G सर्विस प्रदान कर रही है। इसके पहले एयरटेल ने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली NCR में अपनी 3G सेवाओं को बंद कर दिया। RBI गवर्नर शशिकांत दास ने बताया कौन से रोजमर्रा सामान की कीमतें मार्च तक हो सकती हैं कम। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 4 से 6 फरवरी तक चली समीक्षा बैठक के बाद ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं पॉलिसी के बाद RBI गवर्नर शशिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्याज की कीमतों में कमी आई है। जनवरी मार्च तिमाही में दामों के और गिरने का अनुमान है, लेकिन दाल दूध की बढ़ती हुई कीमतें आगे भी आम आदमी की टेंशन बढ़ाती रहेंगी। उन्होंने कहा कि बजट में हुई इनकम टैक्स कटौती से डिमांड बढ़ सकती है। RBI गवर्नर का मानना है कि छोटी अवधि में महंगाई बढ़ सकती है। रिजर्व बैंक ने जनवरी से मार्च तिमाही में महंगाई में हल्की बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। वहीं अप्रैल से सितंबर 2020 के बीच खाने पीने की चीजों की महंगाई दर 5 से 5.4% रहने का अनुमान बताया है। एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया पर क्यों बढ़ रहा है कर्ज, सरकार ने संसद में दी इसकी जानकारी। जी हां, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में देश की सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया पर बढ़ते कर्ज की जानकारी दी। पुरी ने राज्यसभा में बताया कि एयर इंडिया पर लगातार बढ़ते कर्ज की प्रमुख वजहों में सस्ती विमानन सेवा की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के अलावा ऊंची ब्याज दर का बोझ और परिचालन खर्च में इजाफा शामिल है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एयर इंडिया पर कुल 58,255 करोड़ रुपए का कर्ज है। मौजूदा समय में एयर इंडिया विनिवेश की प्रक्रिया से गुजर रही है। साल 2016-17 में 48,447 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो कि 2017-18 में बढ़कर 55,308 करोड़ रुपए हो गया और 2018-19 में 58,255 करोड़ रुपए हो गया। सरकारी बैंकों की टाइमिंग में हुआ बदलाव, जानिए कब तक जमा करा सकते हैं कैश। जी हां, सरकारी बैंक अपने कामकाज के टाइमिंग में बदलाव कर रहे हैं। अगर आप कैश जमा करने या फिर निकालने के लिए बैंकों में आना जाना करते हैं तो ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है। जी बिजनेस पे छपी एक खबर के मुताबिक सरकारी बैंकों के खुलने का समय बदल गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान से इसकी शुरुआत हो चुकी है। यहां सरकारी बैंकों में अब सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बैंकिंग का कामकाज होगा। पहले बैंक में दोपहर 2 बजे तक ही कैश जमा होता था, अब ग्राहक शाम 5 बजे तक कैश जमा कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान में भी बैंकों की टाइमिंग चेंज हो गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बाड़ी में 1 जनवरी 2020 में बैंकों के कामकाज का समय बदल गया है। आपको बता दें कि इससे पहले सिर्फ 2 बजे तक ही आप नगदी जमा कर सकते थे। अब नए नियम के लागू होने के बाद शाम 5 बजे तक भी नगद डिपॉजिट या फिर निकाल सकते हैं। बैंकों के बंद होने का समय शाम 6 बजे किया गया है। यह आदेश स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी ने लिया है। RBI ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव, रियल एस्टेट के लिए बड़ी राहत का ऐलान। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 4 से 6 फरवरी तक चली बैठक के बाद ब्याज दरों पर फैसला आ गया है। बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला हुआ है। MPC के सभी 6 सदस्यों ने ब्याज दरें नहीं बदलने के पक्ष में मत दिया है। RBI ने रेपो रेट को 5.15% पर बरकरार रखा था, वहीं रिवर्स रेपो रेट 4.90% पर बरकरार है। रिजर्व बैंक ने CRR 4% और SLR 18.5% पर बनाए रखा है। RBI ने इससे
पहले लगातार 5 बार ब्याज दरों में कटौती की थी। कमर्शियल रियल्टी लोन लेने वालों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। उचित कारणों से देरी पर लोन डाउनग्रेड नहीं होगा। अगर आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई डेवलपर किसी वजह से बैंकों का कर्ज दिए समय पर नहीं चुका पाता है तो उसे 1 साल तक NPA घोषित नहीं किया जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कदम रियल्टी सेक्टर के लिए काफी राहत भरा है, इससे कंपनियों को राहत मिलेगी। नरेंद्र मोदी की राज्यसभा में विपक्ष को दो टूक, कहा GST पर इतना ही ज्ञान था तो आपने अपने पास इसे इतना अटकाए क्यों रखा था। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु एवं सेवा कर यानी GST पर विपक्ष के विरोध की कड़ी आलोचना की। PM मोदी ने कहा कि अगर विपक्ष को GST पर इतना ही ज्ञान था तो उन्होंने इस नई कर व्यवस्था को इतने सालों तक अटकाए क्यों रखा। उन्होंने कहा कि GST भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब राज्यों की भावनाओं का उसमें प्रकटीकरण होता है। हमारा मत है कि जहां समयानुकूल परिवर्तन आवश्यक है, परिवर्तन करने चाहिए। अगर विपक्ष इतना ही ज्ञान था तो उन्होंने GST को इतने सालों तक अटकाए क्यों रखा था। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम बदलाव की बात करते हैं तो कभी कहा जाता है कि बार बार बदलाव क्यों। हमारे महापुरुषों ने इतना महान संविधान दिया, उसमें भी उन्होंने सुधार की व्यवस्था रखी है। हर व्यवस्था में सुधार का हमेशा स्वागत होना चाहिए। PM ने इस दौरान राज्यसभा में विपक्षी दलों के रवैये की कड़ी आलोचना की। राहुल गांधी ने PM मोदी पर साधा निशाना, कहा मुद्दे की बात पर रहते हैं प्रधानमंत्री मौन। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जितना चाहे बोलते हैं और कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जब कोई मुद्दे की बात होती है तो कभी भी एक शब्द भी उनके मुँह से नहीं निकलता है। प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देने के बाद राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में कहा कि प्रधानमंत्री ने 1.5 घंटे तक भाषण दिया, लेकिन देश के युवाओं की असली समस्या बेरोजगारी पर वे एक शब्द भी नहीं बोले हैं। उन्होंने कहा कि देश के सामने इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था का है। देश का हर युवा चाहता है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे रोजगार मिले। देश में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। उन्होंने कहा कि असली दिक्कत है कि मोदी इस बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री से कई बार कहा कि आप अपने भाषण में थोड़ा देश के युवाओं को बता दीजिए कि उनके रोजगार के लिए क्या क्या किया जा रहा है। प्रधानमंत्री इस बारे में कुछ भी नहीं बोल सके। प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड के 2 सदस्य 5 एकड़ जमीन लेने के पक्ष में नहीं, 24 फरवरी को करेंगे फैसला। जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक UP सरकार की तरफ से सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गई 5 एकड़ जमीन को लेकर बड़ी खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक सुन्नी वक्फ बोर्ड के 2 सदस्य सरकार से जमीन लेने के पक्ष में नहीं है। बताया जा रहा है कि जमीन लेनी है या नहीं, इसको लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड 24 फरवरी को होने वाली बैठक में फैसला करेगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड की इस बैठक में सरकार की तरफ से 5 एकड़ जमीन लेने के मामले पर मंथन होगी। जानकारी मिली है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड कई बिंदुओं पर इस बैठक में विचार विमर्श करेगा। आपको बता दें कि श्रीराम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत अयोध्या में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दिए जाने के प्रस्ताव को यूपी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में CM केजरीवाल बोले, BJP में कोई भी मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि BJP में कोई भी मुख्यमंत्री बनने लायक ही नहीं है। दिल्ली की 70 सीटों पर 8 फरवरी को मतदान होगा और 11 फरवरी को मतगणना होगी। केजरीवाल ने कहा कि लोग जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। उन्होंने पूछा कि क्या होगा अगर वह संबित पात्रा या फिर अनुराग ठाकुर हुए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव का ध्रुवीकरण करने की कोशिश भी की और नतीजे बताएंगे कि वह सफल हुए या फिर नहीं। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के मतदाता वे हैं जो अच्छी शिक्षा, चिकित्सकीय सुविधा, आधुनिक सड़कें, 24 घंटे बिजली चाहते हैं। शाहीन बाग में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शन पर आम आदमी पार्टी के संयोजक ने आरोप लगाया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की वजह से भाजपा ने सड़कें साफ नहीं कराई हैं। अब हम अगले 24 घंटे के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल के 1-2 स्थानों पर छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। जम्मू व कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश और हिमपात हो सकता है। असम और केरल में हल्की बारिश होने की संभावना है। आंतरिक तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर
हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आज का माइंड कुछ क्वेश्चन आ चुका है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आप इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आपने अभी तक जियो बी न्यूज़ को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।